नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मध्य प्रदेश के कटनी में आबकारी विभाग कटनी ने अनुज्ञा की शर्तों का सशर्त पालन ना करने और नियमों को दरकिनार कर जिले के 8 दुकानदारों की दुकानों के लाइसेंस को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है और 3 दिन तक दुकानों से शराब के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया। कटनी के शहरी अचल और ग्रामीण अचल में देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों में आबकारी विभाग के निरीक्षण पर नियमों की अवहेलना कर शराब का विक्रय किया जा रहा था, जिस पर जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन ने संज्ञान लेते हुए 8 दुकानों को 3 दिन के लिए दंडात्मक कार्रवाई करते हुए व्यवसाय करने पर रोक लगाते हुए दुकानों को सील करा दिया है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कटनी जिले में दुकानदारों ने नियमों की अवहेलना की है। दरअसल आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों को पूरी तरह से सील करा दिया था, लेकिन दुकानदारों ने पूरी तरीके से दुकानों पर गए हैं, दुकानों का ताला तोड़ा है और एक बार फिर से दुकानें खोल दी हैं, जिसकी वजह से पूरा आसपास का माहौल बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। जिला कटनी के अंतर्गत 8 दुकानों पर प्रभारी उप निरीक्षकों के द्वारा निरीक्षण के वक्त में मदिरा विक्रय दर संबंधी जो अनियमितता पाई गई थी, उसके आधार पर प्रकरणों में जिला कलेक्टर कटनी महोदय के द्वारा 3 दिन के लिए दिनांक 9 सितंबर से 11 सितंबर तक दुकानों का निलंबन किया गया है। इन दुकानों के नाम इस प्रकार हैं: विदेशी मदिरा दुकानें बरही स्टेशन रोड और सलीमनाबाद तथा देसी मदरा दुकान बड़वारा, त्योरी, नई बस्ती, कटनी कैंप और विजय राघवगढ़। इन दुकानों को 3 दिन के लिए निलंबित किया गया है। निलंबन की वजह से राजस्व का कितना नुकसान होने जा रहा है? लगभग एक दिन में इनसे 7,11,486 रुपए की ड्यूटी राजस्व शासन को प्राप्त होता है, यानी 3 दिन का करीबन 21,34,000 रुपये का जो रेवेन्यू है सरकार को तो प्राप्त होगा, किंतु लाइसेंसी को इसका कोई प्रतिफल नहीं दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के ही कटनी में मृतक शिवा गोठिया के परिजनों ने 1 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका 25 साल का बेटा शिवा गोठिया घर नहीं लौटा। पुलिस ने रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद ये बात निकलकर सामने आई कि शिवा और उसके दोस्तों के बीच मछली मारने के कारण आपसी विवाद हुआ था, जिसके कारण शिवा को मौत के घाट उतार दिया गया और शव को ठिकाने लगा दिया गया। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन ने मामले का खुलासा किया है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के कटनी का ये पूरा मामला है, जहां पर मामूली कहासुनी में दोस्तों ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और शव को ठिकाने लगा दिया। परिजन लगातार मासूम को ढूंढते रहे और अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाते रहे हैं। एक गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट थाना विजय राघवगढ़ में दर्ज हुई थी, शिवा गोठिया की। शिवा गोठिया के जब परिवारजनों से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो दो अपने साथियों के साथ गया था, उसके बाद वो लौटकर नहीं आया। जब उन दो साथियों से बुलाकर उनसे पूछताछ की गई, पूछताछ पर उन्होंने बताया कि मछली मारने के ऊपर से हमारा विवाद हो गया था, विवाद होने के कारण से हमने उसको मार के तार से बांध कर नदी में फेंक दिया था, जिससे कि किसी को पता ना चल पाए। उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे कालाबाजारी को रोकने के जितने भी दावे कर ले, लेकिन आए दिन ऐसी खबरें आ ही जाती हैं जब कालाबाजारी का मामला सामने आता हो, चाहे कालाबाजारी पैसों की हो या खाद्यान्न की। कहीं ना कहीं कालाबाजारी को रोकने में सरकार नाकाम होती दिखाई देती है। ताजा मामला सिद्धार्थनगर की शाहपुर मंडी समिति भरनापुर शाखा का है, जहां पर इन दिनों खाद्यान्न चोरी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में चावल की बोरी में पहले परखे लगाकर अनाज पहले जमीन पर गिराया जाता है, फिर उसे दूसरे बोरे में भरकर कालाबाजारी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सिद्धार्थनगर से, जहां पर कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रशासन के ही कुछ कर्मचारियों के चलते, उनकी भ्रष्टाचारी के चलते ऐसा हो रहा है कि खाद्यान्न चोरी हो रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सिद्धार्थनगर की तस्वीर
खाद्यान्न चोरी करने का वीडियो तेजी के साथ वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से तीन तमंचे और लगभग आधा दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। वहीं पुलिस लगातार बदमाशों की धरपकड़ में जुटी हुई है। फतेहपुर का यह पूरा मामला भ्रष्टाचार और क्राइम लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। फतेहपुर की बात की जाए तो फतेहपुर में यहां पर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसके बावजूद भी जो दबंग हैं, जो आरोपी हैं, उनमें जरा भी खौफ पुलिस का नजर नहीं आता है। पुलिस भी पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही फतेहपुर में देखने के लिए मिला, जहां पर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जिंदा कारतूस, तमंचे और अवैध बाइक जो है वो भी बरामद कर ली गई है। बरेली में कक्षा 5 की छात्रा का अपहरण कर उसको तेजाब पिलाकर शोहदे ने हवाई अड्डे पर फेंक दिया और जिसकी खबर को न्यूज पॉल इंडिया की तरफ से प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद थाना पुलिस के सीओ फरीदपुर ने जमकर फटकार लगाई और महिला पुलिसकर्मी के साथ जमकर हंगामा किया गया। वहीं सीओ ने छात्रा का बयान लेकर आरोपी आजम और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस फरीदपुर ने आरोपियों पर रहम दिखाते हुए केवल शांति भंग की कार्रवाई कर पल्ला झाड़ते हुए मामले को दबाने की कोशिश की। न्यूज़वर्ल्ड इंडिया पर खबर चलने के बाद अफसरों की सक्रियता से मामले का खुलासा हुआ है। इसी के साथ ही थाना पुलिस को अफसरों ने जमकर फटकार भी लगाई है। बरेली का ये पूरा मामला है, जहां पर न्यूज़वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और आखिरकार एक्शन भी लिया गया है। बरेली का यह पूरा मामला, जहां पर बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के 5वीं की छात्रा का अपहरण कर शोधे ने तेजाब पिलाकर बच्ची को फेंक दिया था और उसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर सिर्फ और सिर्फ शांति भंग करने की कार्रवाई की थी और पल्ला झाड़ दिया था। लेकिन जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो अब असर होता हुआ नजर आ रहा है। अब पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ट्वीट न्यूज वर्ल्ड इंडिया की तरफ से किया गया था और इसी पर यूपी पुलिस ने संज्ञान लिया है, बरेली पुलिस ने संज्ञान लिया है और शोहदों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और अब खबर यूपी के जिला गोंडा से है, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश स्तर के मंत्रियों का आना जाना अक्सर लगा ही रहता है। जिला अस्पताल, जहां हर दिन हजारों लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, इस अस्पताल का आलम यह है कि मामूली सी बारिश से अस्पताल परिसर में पानी घुटनों तक भर जाता है। चाहे बच्चे हों या बूढ़े या महिलाएं, सभी को तालाब से गुजरना पड़ता है। अस्पताल के चारों ओर लगे सीसीटीवी कैमरे में जिम्मेदार अधिकारी तस्वीरें देखा करते हैं और किस तरह से तीमारदार गंदे पानी में घुसकर अपने मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, तो गोंडा की तस्वीरें, जहां पर तालाब में अस्पताल तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, घुटनों तक पानी भर जाता है। अभी फिलहाल पानी कम है, लेकिन अगर बरसात ज्यादा होती है तो आप देख सकते हैं कि घुटनों तक पानी भरना यहां लाजमी सा हो जाएगा। और गोंडा की तस्वीरें, जहां पर अस्पताल के बाहर हल्की सी बरसात में पानी भर गया, चाहे वो पुलिस अफसर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, हर कोई इस पानी से गुजरने के लिए मजबूर है। ऐसी तमाम तस्वीरें गोंडा से सामने आ रही है। कुछ तो ऐसे हैं जो अपने मरीज को स्ट्रेचर पर इसी पानी में ले जाने के लिए मजबूर हैं। बरसात में आया तो वैक्सीन लगवाने मम्मी को, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। पानी पूरा भरा हुआ है? हाँ। तो पानी में कैसे आए यहाँ तक? साइकिल से आए, साइकिल खड़ी है। कोई पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है क्या जिला? नहीं, नाली वाली नहीं। समस्या तो वही है, इसके लिए क्या किया जाए? जिस तरीके से यहाँ जल भराव है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आगे जिला प्रशासन को? साफ सफाई का दावा कर रहे हैं। साफ सफाई का, नाली का कोई ना कोई पानी निकालने का जो बंदोबस्त करना चाहिए ना, पानी निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ये पानी जाएगा तो उसके लिए कोई नाली वाली होना चाहिए।
नाली वाली होगी, ब्लॉक होगी या क्या है, क्या दिक्कत है? यहाँ पर एक्सरे रूम है, इधर ब्लड बैंक है, सीएमओ ऑफिस है, और इसके बाद यहाँ जल भराव है। अरे तो ये थोड़ा जमीन ऊंचा हो जाता, पानी निकलने का कोई जुगाड़ हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं रहती। पहले से ही मुश्किलों में घिरे बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को एक और झटका लगा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। मायावती ने इस सीट पर अपने नए प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर दिया। शुक्रवार सुबह मायावती ने मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी के टिकट काटे जाने की घोषणा कर दी। मायावती ने साफ कहा है कि विधानसभा चुनाव में बसपा की भी बाहुबली या माफिया को टिकट कभी नहीं देगी। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीएसपी अपनी छवि और ज्यादा अच्छी करने की कोशिश कर रही है, उसी में एक कड़ी ये भी है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी का पत्ता काट दिया गया है। तो जिस तरह से बीएसपी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, ऐसे में ये भी दिखा रही है कि हम किसी माफिया या गुंडे को अपनी पार्टी में नहीं रहने देंगे या अपनी पार्टी से टिकट नहीं देंगे। आपको बता दूं कि मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी काफी समय से बसपा में रहे हैं और बसपा से वो मंत्री भी बनाए जा चुके हैं। ऐसे में लेकिन अब जहां मुख्तार अंसारी मुश्किलों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक और झटका मायावती ने दे दिया है। मायावती ने सुबह ऐलान कर दिया है कि वो अब किसी भी माफिया या फिर बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगी, यानी कि उनकी पार्टी से उनका पत्ता पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। लेकिन यहां पर यह खबर मुख्तार अंसारी के लिए अच्छी है कि ओवैसी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो चाहें तो कहीं से भी टिकट ले सकते हैं, यानी हाथी से उतरे हैं तो यहां पर ओवैसी ने उन्हें संभाल लिया है, यानी कि हाथी से गिरने नहीं दिया है, पहले ही उन्हें संभाल लिया, सीधे तौर पर कह दिया। आज सुबह ही मायावती कहती है कि हम बाहुबली मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगे या कोई भी ऐसा नेता हो जिसका रिकॉर्ड अच्छा ना रहा हो, जिसका रिकॉर्ड आपराधिक रहा हो, उसे अब हम पार्टी में नहीं रहने देंगे और ना ही उसे टिकट देंगे। लेकिन दूसरी तरफ बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के लिए ये अच्छा हुआ कि ओवैसी पहले ही आते हैं और ये कहते हैं कि वो जहां से चाहे वहां से टिकट ले सकते हैं, यानी एक गैंगस्टर, एक अपराधी, एक बाहुबली चुनाव लड़ सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो आपसी सौहार्द की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी चाहें तो कहीं से भी टिकट ले लें। तो बीएसपी से मुख्तार अंसारी का पत्ता पूरी तरह से कट चुका है, लेकिन एआईएमआईएम में उनकी एंट्री जल्द ही हो सकती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि चुनाव में कैंडिडेट उतारने के लिए इस बार कांग्रेस ने एक खास रणनीति बनाई है। ये रणनीति कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तैयार की है। मुख्य तौर पर उन्हें जब महासचिव बनाया गया था उत्तर प्रदेश का, तो ये कहा गया था कि 2022 की वो तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि 2022 की तैयारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कितनी की है। बताया ये भी जा रहा है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस प्रोफेशनल तरीके से कैंडिडेट उतारने की तैयारी में जुटी है, जिसमें कैंडिडेट को उनकी क्षमता और जनता में लोकप्रियता के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारने के लिए कांग्रेस ए बी सी डी कैटेगरी की लिस्ट तैयार कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि रणनीति प्रियंका गांधी की बनाई गई है। ए कैटेगरी की लिस्ट में वो कैंडिडेट होंगे जिन्हें कांग्रेस जीता हुआ समझती है। इस लिस्ट में 40 लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं। बी कैटेगरी में उन 100 लोगों की लिस्ट जारी होगी जो अपने अपने इलाकों में मजबूत होंगे, यानी ऐसे कैंडिडेट जो जनता के बीच काफी लोकप्रिय होंगे। वहीं सी कैटेगरी में उन 150 लोगों के नाम होंगे जो काफी लंबे समय से क्षेत्र और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, जबकि डी कैटेगरी की लिस्ट में 104 लोगों के नाम होंगे। ये वो लोग होंगे जिन्हें जीतने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत होगी। तो ये रणनीति तैयार की है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। तो ए बी सी डी कैटेगरी में कैंडिडेट उतारेगी कांग्रेस, ये फॉर्मूला तैयार किया है कांग्रेस ने। वो कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन
तलाश रही है। पूरी तरह से जमीन खो चुकी कांग्रेस प्रियंका गांधी के सहारे आगे चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है, साथ ही साथ वापसी करने की तैयारी कर रही है। देखिए, अगर बात मैं 2019 लोकसभा चुनाव की करूं तो उस समय प्रियंका गांधी सक्रिय थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि मेरे सक्रिय होने का मतलब है कि 2022 की तैयारी। वो 2019 से ही 2022 की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, हादसे होते हैं, उनको बखूबी भुनाती हैं प्रियंका गांधी और ट्विटर पर भी पूरी तरह से सक्रिय रहती हैं, धरातल पर उतरती हैं, चाहे वो हाथरस मामला हो या उससे पहले सोनभद्र का मामला हो, तमाम जगह पहुंचती हैं और अपनी एक अच्छी पकड़ जो है उन्होंने महिलाओं के बीच बनाई है उत्तर प्रदेश में। अब ये जो फॉर्मूला है वो कितना सक्सेसफुल होगा ये देखना होगा। वहीं पीलीभीत में पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिन लगभग शाम 5 बजे चांद मियां का 4 साल का बेटा उबैस जब सरकारी नल पर पानी भरने गया, तब पूरनपुर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार कार ने उसको टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर भीड़ ने अमृतपुर निवासी परमजीत सिंह की पिटाई कर डाली। गुस्साए सिख समुदाय के लोगों ने पीड़ित पक्ष के घर हमला बोल दिया और घर में मौजूदा लोगों की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते पीड़ित पक्ष पर ही कार्रवाई कर दी है। वहीं घटना को लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं। मामले की सूचना पर सीओ पूरनपुर थानाध्यक्ष फोर्स सहित एसपी दिनेश कुमार प्रभु भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल अब दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। तो कार से टक्कर के चलते 4 साल के मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है। सिख समुदाय के लोगों ने पीड़ित पक्ष पर हमला बोल दिया। जहां एक तरफ पहले ड्राइवर की पिटाई की गई लोगों द्वारा, तो फिर उसके बाद सिख समुदाय के लोग मौके पर पहुंचते हैं, घर में घुसते हैं और बुरी तरीके से वहां मारपिटाई करते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। अरे हमारे घर में हमारा बच्चा भी जान से चला गया और घर में सबको मार के गए, तलवार चला के गए। हम बताओ तो हमारे तरफ तो देख लेते, उनके पैसे दे के हमारी गरीबी ना देगी। अरे हमारे घर में हमारे नंदोई के हमारे चेट के बच्चे ने सबको मार के गए। हमारा बच्चा इधर ही खड़ा था, उधर भी नहीं पहुंचा। पानी लेके जाते जाने पर उसके जो टक्कर गाड़ी वाला आया, उसने टक्कर मार दी। और मारने के बाद टक्कर हम तो लोग बच्चे को लेके साथ वाले वहाँ चले गए। उसके बाद जो है वो लोग थाने में सुनवाई नहीं हुई, तो उसके बाद जो है घर पे आए थे, जो है उन लोगों ने घर पे जो है मारपीट करने लगे हम लोगों को। बलरामपुर में स्थानीय थाना क्षेत्र में अज्ञात बीमारी से 3 बच्चों की मौत हो गई। गाँव में 7 से ज्यादा लोग बीमार है। ग्रामीणों की सूचना पर सीएचसी शिवपुरा में स्वास्थ्य टीम इलाज के लिए पहुंची भी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बच्चों की मौत और बीमारी के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। हरैया थाना क्षेत्र के फुलवरिया निवासी नन्नू ग्राम सभा प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि सौरभ के बेटे बाबा दीन को एक दिन पहले अचानक उल्टी दस्त होने की शिकायत थी। आधे घंटे के अंदर ही बाबदीन की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो अज्ञात बीमारी के चलते बच्चों की जान जा रही है, 7 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। बलरामपुर का ये पूरा मामला है। सर क्या समस्या? बहुत समस्या है सर, यहाँ बच्चे 5-6 लोग मर चुके हैं सर, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पहले डॉक्टर आए थे तो फिर? हाँ सर आए थे, बोला वो दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे गांव में कितने लगभग मरीज इस संक्रमण रोग से पीड़ित हैं? ये शायद तो सर कुल मिला के होंगे 10-12 लड़के। 10-12 लड़के? मृत कितने लड़के का हो चुका है मृतक? और 4 लड़के का हो गया। 3 हुआ है? 3 तीन दो हुआ। पहले हुआ हाँ। था, आज एक हुआ है। हाँ। गांव में बहुत बीमारी चल रही है। अच्छा, ऐसा है कि उल्टी दस्त बच्चों की आ रही है। और हमारे जो उत्तर तरफ में कुम्हार की घर के बच्चे थे, उनके 2 बच्चे मर गए हैं। एक नई बिरादरी थी बच्चे के, वो भी मर गए हैं। और फिर हमारे घर में एक बच्चा था, वो भी उल्टी दस्त आ रहा है। मल कल ले गया था मैं दवा कराने, दवा कराने भी ले गए थे, अब फिर अभी भी ले जाएंगे। तो यहाँ लोग बहुत बीमारी फैल गई थी बच्चे के लिए। वहीं कासगंज के अंबापुर कस्बा में श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है।
कोविड का असर कम होने पर बाजारों में रौनक भी लौट आई है। पिछले साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार कोविड की भेंट चढ़ गया था। इस बार कोरोना कम होने और शासन प्रशासन से मिली ढील के चलते लोगों ने आयोजन की तैयारियां की हैं। लोग पहले से ही भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं खरीद कर घर ले जा रहे हैं। गुरुवार को सुबह बाजारों में गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई थी। घर घर गणपति बप्पा को लोग धूमधाम से विराजमान आज कर रहे हैं। इसके लिए बाजार पूरी तरह से सजकर तैयार है। इस बार बाजार में चीन निर्मित प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश प्रतिमाएं नहीं दिख रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इको फ्रेंडली प्रतिमाएं हैं। तो गासगंज की तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज घरों में विराजमान हो रहे हैं गणपति बप्पा और गणेश चतुर्थी की जो धूम है वो चारों तरफ नजर आ रही है, देश भर में नजर आ रही है और इसकी बांदी कासगंज में भी देखने के लिए मिली है। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में राजकीय मिस्त्री बीरबल का गुजरात की एक महिला से अवैध संबंध था। कुछ समय पहले वो उस महिला को लेकर कुशीनगर अपने घर आ गया। उसने कहा कि वो उसकी दूसरी पत्नी है और सभी को उसे स्वीकार करना होगा। इस पर उसकी पत्नी शीला ने कड़ा विरोध किया। पत्नी के विरोध की वजह से बीरबल को उस महिला को वापस गुजरात ले जाकर उसके घर पर छोड़ना पड़ा, लेकिन वापस लौटकर वो अपनी पत्नी पर जमकर जुर्म ढाने लगा। शराब के नशे में धुत होकर पत्नी को बेरहमी से पीटना उसके लिए रोज की बात थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात बीरबल की माँ उसके दो छोटे बच्चों को लेकर बरामदे में सोई थी। बीरबल की पत्नी उसकी लंबी उम्र के लिए सुबह से ही तीज का निर्जला व्रत थी। देर रात पति उठा और अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे तक जब कमरे में कोई हलचल नहीं हुई तो बीरबल की माँ ने उसे जगाने की कोशिश की तो देखा कि बिस्तर के नीचे शीला का शव था और पति गायब था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फरार पति की तलाश शुरू कर दी है। मुरादाबाद में बेसहारा घूमने वाले गौवंशियों की सेवा में पिछले कई सालों से लगे वाष्णेय परिवार ने कुछ ऐसा ही अनोखा काम कर दिखाया है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी के पास श्री भगवती गौ पुनर्वास आश्रम चलाने वाले दीपक वाष्णेय गणेश चतुर्थी के लिए महीनों पहले से एक अनोखी कला के जरिए गणपति की प्रतिमाओं को बताने में लगे हुए हैं और वो भी शुद्ध गाय के गोबर से। दीपक वाष्णेय का मानना है कि उनकी तरफ से बनाई जा रही गणपति जी की प्रतिमाएं पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं, वातावरण को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि ये शुद्ध गाय के गोबर से बनी हुई है और विसर्जन के समय पानी में पूरी तरह से मिलकर नदी के जीव जंतु का आहार भी बन जाती है। तो गणेश जी की जो ये प्रतिमा है ये इसकी विशेषता है कि ये शुद्ध देसी गाय के गोबर से बनी हुई है। देसी गाय के गोबर से बने होने के कारण इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। जब हम गणेश जी को विसर्जित करने जाते हैं नदियों में तो आमतौर पर स्थिति ये होती है कि नदी के किनारे पर बहुत सारी मूर्तियां जिनको आपने 10-15 दिन पूजा है उनको वैसे ही छोड़ करके आ जाते हैं और वहाँ पर माहौल जो होता है वो बड़ा अजीब सा होता है, कुछ अलग ढंग का माहौल हो जाता है कि वहाँ पर मूर्तियाँ अधगली हालत में पड़ी रहती हैं। उसकी कहीं तो हम गंगा की सफाई की बात करते हैं और कहीं पर हम वहाँ पर स्वयं गंदगी करके आ रहे होते हैं। उससे बचने के लिए गाय के गोबर से ये मूर्तियाँ हम लोगों ने बनाई हैं। ये 100% डिसॉल्व हो जाती हैं पानी में। अगर आप इन्हें विसर्जित नहीं भी करना चाहेंगे तो आप इनको गमले में या अपनी क्यारियों में या अपनी पौधशाला में अगर केवल आप वहीं पर विसर्जित कर देंगे तो ये खाद का काम करेगी, कहीं पर भी ये वेस्टेज नहीं है आपके लिए। सबसे बड़ी बात कि जब आप इसे गंगा जी में विसर्जित करते हैं तो ये मछलियों को जलीय जीवों का भोजन है। तो आप जब पीओपी की मूर्ति को उसमें डालते हैं गंगा जी में या किसी भी नदी में या किसी भी तालाब में जब विसर्जित करते हैं तो वो आमतौर पर जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि देसी गाय का गोबर हमारी जलीय जीवों का भोजन है, उससे उनका फायदा होने वाला है। ये प्रतिमाएं जो हैं ये शुद्ध देसी गाय के गोबर से बनाई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि जो पीओपी की प्रतिमाएं होती हैं और जिनको गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है उस पीओपी से होने वाले प्रदूषण को बचाया जाए। हम प्रकृति को स्वच्छ रखने के लिए ये देसी गोबर से बनी हुई प्रतिमाएं बना रहे हैं। ये पानी में जाते ही डिसॉल्व हो जाएंगी और इसमें हमने
कुछ बीज भी डाले हुए हैं, जैसे तुलसी जी के बीज हो गए या कुछ बीज छोटे छोटे बीज होते हैं, ये जाते और ये अपना भी प्लांटेशन करेंगे वहां पर जाकर। शामली में थाना भवन पुलिस को मुखबिर की तरफ से सूचना मिली थी कि थाना भवन क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम देने में शामिल कुछ बदमाश क्षेत्र में मौजूद हैं और वो किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। थाना भवन क्षेत्र में अहमदपुर पलिया के पास थाना भवन पुलिस जब चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक पर सवार होकर तीन व्यक्ति सामने से आते दिखाई दिए। पुलिस ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया तो बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने पुलिस पर सीधा फायर झोंक दिया, जिसमें पुलिस कर्मचारी गोली लगने से बाल बाल बच गए। बदमाशों की फायरिंग का जवाब देते हुए पुलिस ने भी बदमाशों पर फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग होते देख बदमाश सड़क किनारे खड़े गन्ने के खेत से भागने लगे। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर दो बदमाश भागने में कामयाब रहे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।